और निकल जाते हैं। समझ रहा बात? तो बीमारी में एक मोमिन का काम है कि वो सब्र करे, जजा और फजा ना करे, मतलब आहो बुका ना करे, खामोखा के तकदीर को ना कोसे, रोए धोना। या बहुत से लोग होते हैं ऐसे जुमले, हमारा ही घर मिला था क्या, हम ही बीमार होना था क्या, या फिर जो है फलां लोग जो है इतने सेहतमंद हैं, उनके घर में तो कुछ नहीं होता, हमारे घर में तो बीमारी की झड़ी लगी है, कड़ी लगी है, हम लोग ही बीमार होते हैं, हालांकि हमारा रिस्क भी कम है, रोज़ी भी कम कमाते हैं, फिर भी बस पूरी रोज़ी फलां में चले जा रही है। नहीं, याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह जब किसी को पसंद करता है तो क्या करता है मालूम? उसको उसको मुसीबत डाल के देखता है, उसको आजमाता है। तो ये तकलीफें, बीमारियां, मुसीबतें, मौत, माल का ज़ाया होना, चीज़ों का गुम जाना, ठीक है, रिस्क में कमी होना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से क्या है? आजमाइश। तो आजमाइश में क्या उतरना चाहिए हमको? खरा उतरना चाहिए। तो सब्र सबसे पहली चीज़ है। खुद बीमार सब्र करे, बीमार के घर वाले सब्र करें।